गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है व्रत वाली आलू की रसेदार सब्जी। तो उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए टू सी मोर अमेजिंग रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब उसमें मैं अपना रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। जीरा चटकने लग गया है। अब ये मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है टमाटर, अदरक और हरी मिर्चे का, ये पेस्ट बना के रखा है। अब वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। गैस को सिम कर देते हैं। ये पेस्ट अब मैंने जो डाला था उसे हिला ले रहे हैं। इसमें हम मसाले डाल लेंगे। अब मसाले हम डालने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर एक चम्मच, काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें एक से दो चम्मच के आसपास इसमें क्रीम डाल दे रही हूँ। ये मलाई डाली है मैंने घर वाली। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। ये कच्चे आलू हैं, ये मैंने चकोर में काट लिए हैं, आप जैसे चाहें काट सकते हैं। अब मैं इस आलू को इसमें डाल दूंगी। आलू मैंने डाल दिए, इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, अब इसे हिला लूंगी। ये मैंने हिला लिया मसाले के साथ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। जितनी ग्रेवी आपको रखनी है, पतली थिक जैसे आपको मन करे उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए, जैसे आप अपने घर में बनाना चाहें। मैंने इसमें 2.5 से 3 ग्लास के आसपास पानी डाला है क्योंकि आलू को भी अभी उबलने गलने में टाइम लगेगा। पानी डालने के बाद मैंने इसको हिला दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और बीच में चेक करती रहूंगी कि ये बनेगी। हिलाते रहना कि जब आपके आलू गल जाए आपकी सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, रसेदार आलू बनकर तैयार हो